Hello, everyone. वेलकम टू एम बाइव आप सभी का वेलकम है एम बाइव के इस यूट्यूब चैनल पर मैं अंकित गुप्ता करता हूं आप सभी का वेलकम संडे स्पेशल वीकली करंट अफेयर्स रिवीजन सेशन आप सभी के लिए यहां पर लाइव हो चुका है और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पूरे हफ्ते पूरे वीक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का हम इस सेशन के माध्यम से करते हैं पूरा का पूरा रिविजन ताकि आप करंट अफेयर्स को याद कर सकें करंट अफेयर्स को लर्न कर सकें आप डेली बेसिस पर लेटेस्ट करंट अफेयर्स पढ़ते हैं बहुत अच्छी बात है कि आप लेटेस्ट करंट अफेयर से अपडेटेड रहते हैं लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको करंट अफेयर्स याद भी होनी चाहिए और ये रिवीजन सेशन हफ्ते में एक दिन वीक में एक दिन इसीलिए होता है ताकि आप करंट अफेयर्स लर्न कर सकें तो चलिए करते हैं इस हफ्ते के 50 प्लस वीकली करंट अफेयर्स एम का रिवीजन आगे बढ़ने से पहले डू लाइक द सेशन और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लीजिएगा चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के डिस्कशन के साथ और वीकली करंट अफेयर्स रिवीजन एमसीक्यू संडे स्पेशल सेशन होता है आपका शुरू शुरुआत हम लोग यहां पर करेंगे मोटिवेशनल कोट ऑफ द डे के साथ तो आज का जो मोटिवेशन कोट है लिखा हुआ है नो मास्टर पीस वॉज एवर क्रिएटेड बाय अ लेजी आर्टिस्ट जी हाँ आपने अगर कोई भी कलाकारी या मतलब एक कोई कलाकृति देखी हो कोई मास्टर देखा हो कोई भी दुनिया में ऐसी चीज आपने देखी हो जो अपने आप में अद्भुत हो अपने आप में यूनिक हो तो ये चीज आप जानते हैं और बहुत बहुत ही बेहतर तरीके से जानते हैं कि जो भी दुनिया में कुछ भी यूनिक बना है वो किसी लेजी पर्सन person या ऑफ ग्रुप के द्वारा नहीं बना है वो एक ऐसे व्यक्ति के द्वारा बना है वो चीज या वो मास्टर जिसे अपने काम से प्यार था अपने काम से लगाव था और उसे उसका पैशन था तो बेसिकली एक चीज आपको यहां पर समझनी होगी कि आप जो भी अपने सपने साकार करना चाहते हैं आपने जो भी ड्रीम्स देखे हैं उनको अगर आप पूरा करना चाहते हैं कुछ यूनिक करना चाहते हैं तो बेसिकली उसके लिए हमें लेजी हम नहीं रह सकते उसके लिए हमें दिन रात काम करना होगा और ये सबसे बेहतर होगा कि अगर आपको वो काम पसंद है तो फिर आपको हमेशा ऐसे ही लगेगा कि आप कोई काम कर ही नहीं रहे हैं जो लोग अपने काम से प्रेम करते हैं वही हमेशा मास्टर बनाते हैं चलिए क्वेश्चन नंबर वन आप सभी के सामने ये रहा आराम से क्वेश्चन को रीड कीजिएगा रीड करने के बाद ऑप्शंस को रीड कीजिए और फटाफट फटाफट आंसर देना शुरू कीजिएगा क्वेश्चन नंबर वन Who has recently uh, emerged as the world's richest man on the Forbes Billionaires list 2023? हाल ही में जो फोर्ब्स मैगजीन की अरबपतियों की सूची 2023 आपकी जारी हुई थी उस सूची के हिसाब से विश्व के सबसे अमीर व्यक्ति के तौर पर आपका कौन उभर कर सामने आया है रिचेस्ट Personality इन द वर्ल्ड पांच ऑप्शन आपके सामने हैं बताइएगा सही जवाब एलोन मस्क अब दुनिया के सबसे अमीर इंसान आपके यहां पर नहीं है एलोन मस्क की जगह बर्नाल्ड आर्नोल्ड आपके अब आप दुनिया के सबसे अमीर इंसान आपके यहां पर बनते हैं एलोन मस्क सेकेंड पोजिशन पर आपके यहां पर सरक गए हैं तो इस क्वेश्चन का सही जवाब आपका बनेगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट वाज़ द रैंक ऑफ दिल्ली एयरपोर्ट ऑन दी वर्ल्ड्स बिजिएस्ट एयरपोर्ट लिस्ट 2022 रिसेंटली रिलीज बाय द एयरपोर्ट्स काउंसिल इंटरनेशनल फटाफट हाल ही में एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल द्वारा विश्व की व्यस्ततम हवाई अड्डों की सूची जो आपके यहाँ पर जारी की गई है उसके हिसाब से दिल्ली हवाई अड्डे को कौन सी रैंक आपके यहाँ पर दी गई है फिफ्थ सिक्स सेवेंथ एट्थ और नाइन्थ क्वेश्चन नंबर सेकेंड सही जवाब आपके यहाँ पर बनेगा नाइन्थ यानी कि दिल्ली का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दुनिया का सबसे बिजी एयरपोर्ट आपके यहाँ पर बनता है क्लियर है और ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट भी बनता है कि इस एयरपोर्ट की रैंक किस पोजीशन पर है अगर हम टॉप टेन की बात करें तो पोजीशन इज द राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई पर बिल्कुल करेक्ट बनेगा नेक्स्ट वर्ल्ड बिजिएस्ट एयरपोर्ट द फॉर रिपोर्ट फॉरेंटली रिलीज बायरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल अभी हमने देखा कि दिल्ली का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दुनिया का नाइन्थ यानी कि नौवे नंबर का सबसे बिजिएस्ट एयरपोर्ट है तो इसी लिस्ट में इसी सूची में दुनिया का सबसे बिजिएस्ट एयरपोर्ट जो कि नंबर वन पोजीशन पर आपका मौजूद है इस एयरपोर्ट का नाम क्या रहेगा पांच ऑप्शन सही जवाब अटलांटा डलास डेनवा शिकागो और दुबई पांच ऑप्शन क्वेश्चन नंबर थ्री सही जवाब बनेगा अटलांटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट यह एयरपोर्ट आपको अमेरिका यानी कि यूएसए में देखने को मिलेगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हियर वेरी गुड एवरीवन नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फोर Which Indian-origin women did not make it to the list of 100 most influential women in US finance? किस भारतीय मूल की महिला ने अमेरिकी वित्त यानी कि अमेरिकन फाइनेंस में हंड्रेड सबसे प्रभावशाली महिलाओं की सूची में लिस्ट में आपकी जगह नहीं बनाई है जो उस लिस्ट में सूची में शामिल नहीं है पांच ऑप्शन बताएगा सही जवाब हंड्रेड मोस्ट इन्फ्लुएंशियल वेमेन इन यूएस फाइनेंस की लिस्ट में इनमें से कौन आपका यहां पर शामिल नहीं है क्वेश्चन नंबर फोर सही जवाब बनेगा आपका यहां पर ये सभी के सभी ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी ये सभी यूएस फाइनेंस हंड्रेड मोस्ट इन्फ्लुएंशियल वुमेन्स के लिस्ट में आपकी शामिल है चारों की चारों यानी कि चारों ऑप्शन आपके यहाँ पर बिल्कुल सही है दैट्स वाई कि हमारा आंसर यहाँ पर बनेगा ऑप्शन नंबर ई यानी कि नन ऑफ दीज नेक्स्ट क्वेश्चन Which of the following has or have been recently announced to receive MCC? MCC means Marylebone Cricket Club's honorary life membership. में से किस खिलाड़ी या खिलाड़ियों को हाल ही में MCC Marylebone Cricket Club की मानद आजीवन सदस्यता प्राप्त करने की घोषणा की गई है या किन खिलाड़ियों को ये आजीवन सदस्यता यानी कि लाइफ टाइम मेंबरशिप आपकी यहाँ पर दी गई है एम धोनी युवराज सिंह मिताली राजन B और ए बी एंड सी तो क्वेश्चन नंबर फाइव सही जवाब आपका यहां पर बनेगा ऑप्शन नंबर ई इन सभी खिलाड़ियों को यहां पर लाइफ टाइम मेंबरशिप यहां पर दी गई है मैरी लुबोर्न क्रिकेट क्लब की जो कि यूके में है साथ ही साथ अगर मैं बात करूं झूलन गोस्वामी विमेन क्रिकेटर झूलन गोस्वामी और सुरेश रायना इन दो खिलाड़ियों को और इस लिस्ट में शामिल किया गया है तो रिसेंटली टोटल फाइव प्लेयर्स को इस लिस्ट में आपका शामिल किया गया है तो आप इन तीन खिलाड़ियों के साथ साथ इन दो खिलाड़ियों के नाम भी याद रखिएगा करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ई ए बी एंड सी नेक्स्ट क्वेश्चन ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री विच ऑफ नॉट अ फूड प्रोडक्ट फ्रॉम द रीजन टू बियर दी आई टैग ध्यान से छह अप्रैल दो हजार तेईस तक के डेटा की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सा प्रोडक्ट काशी क्षेत्र से काशी बनारस का पुराना नाम है जीआई टैग प्राप्त करने वाला खाद्य प्रोडक्ट या खाने पीने वाला प्रोडक्ट नहीं है बनारसी पान बनारसी लंगड़ा मैंगो बनारसी ठंडाई बनारस लाल भरवा मिर्च और बनारस मखाना किस प्रोडक्ट को अभी तक जीआई टैग यहां पर नहीं दिया गया है क्वेश्चन नंबर सिक्स ये सभी के सभी प्रोडक्ट आपके बेसिकली काशी रीजन के प्रोडक्ट बनारस मखाने को नहीं बल्कि बिहार के मिथिला मखाना को जी अभी रिसेंटली दिया गया था बाकी के चारों के चारों ऑप्शन सही है पांचवा ऑप्शन यहां पर गलत बनेगा ऑप्शन नंबर ई इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन रिसेंटली द वुड कार्विंग ऑफ विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी वॉज कन्फर्ड विद हाल ही में किस भारतीय राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की लकड़ी की नक्काशी को या लकड़ी पर जो आपकी यहाँ पर नक्काशी की जाती है उस पर डिजाइन बनाया जाता है उसको जी आई टैग से आपके यहाँ पर सम्मानित किया गया है इस, इस स्टेट या यूनियन टेरिटरी का नाम आपका यहाँ पर क्या बनेगा पाँच ऑप्शन सही जवाब क्वेश्चन नंबर सेवन करेक्ट आंसर आपके यहाँ पर बनेगा लद्दाख यूनियन टेरेटरी ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर हेयर याद रखिएगा लद्दाख की वुड कार्विंग को अभी रिसेंटली जीआई टैग आपके यहां पर दिया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर बुक नेम इज गांधी सियासत और संप्रदायिकता आपको यहां पर यह बताना है कि किताब का टाइटल है गांधी सियासत और संप्रदायिकता इस किताब के लेखक आपके यहां पर कौन बनते हैं राइटर आपके यहां पर कौन बनते हैं पांच ऑप्शन बताइएगा सही जवाब क्वेश्चन नंबर एट इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर एट की यहां पर बात करें तो इसका सही जवाब आपके यहां पर बनेगा पीयूष ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर है इज द रीसेंट अप्रैल 2023 फॉरकास्ट ऑफ इंडियाज इकोनॉमिक ग्रोथ फॉर वर्ल्ड बैंक विश्व बैंक के अनुसार भारत की आर्थिक वृद्धि का हालिया पूर्वानुमान क्या है विश्व बैंक के अनुसार भारत की आर्थिक वृद्धि का हालिया यानी कि जो अभी रिसेंटली अप्रैल 2023 के हिसाब से भारत की जो जीडीपी है ग्रोथ है उसका पूर्वानुमान आपका यहां पर क्या बनेगा कितने परसेंट जी ग्रोथ आपकी यहां पर हो सकती है अकॉर्डिंग टू दी वर्ल्ड बैंक क्वेश्चन नंबर नाइन करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए 6.3 परसेंट यह जीडीपी ग्रोथ का अनुमान आपका यहां पर लगाया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन विच जर्सी नंबर्स बिलोंगिंग टू द रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर रिटायर्ड रिसेंटली हाल ही में आईपीएल टीम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने किस जर्सी नंबर को रिटायर आपका यहाँ पर कर दिया है पांच ऑप्शन जर्सी नंबर 18 और 222 जर्सी नंबर 16 और 121 जर्सी नंबर 17 और जर्सी नंबर 333 और जर्सी नंबर वन और 11 जर्सी नंबर 17 और जर्सी नंबर 33 333 जर्सी नंबर सेवनटीन की बात करें तो ए बी डी बिलियर्स और जर्सी नंबर थ्री 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 ये क्रिस गेल से संबंधित जर्सियाँ हैं ये दोनों ही खिलाड़ी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलौर आईपीएल टीम के लिए एक लंबे वक्त तक खेल चुके हैं और उन दोनों ही जर्सीज को अब रिटायर कर दिया है इसका मतलब ये है कि आगे आने वाले खिलाड़ियों को जो कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर टीम की तरफ से जुड़ेंगे उनमें से कभी भी इन जर्सीज को इंट्रोड्यूस नहीं किया जाएगा इन जर्सीज को रिटायर कर दिया गया है क्वेश्चन नंबर दस ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर है यहां तक का रिवीजन और सारी चीजें क्लियर रही हो और अगर ये सेशन आपको करंट अफेयर्स लर्न कराने में हेल्पफुल अगर आपको लग रहा हो तो सेशन को लाइक यहां पर जरूर कर दीजिएगा आप सभी लोग डू लाइक द सेशन एवरी वन चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर इलेवन विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च कूल रूफ पॉलिसी टू रिड्यूस हीट स्ट्रेस ध्यान से किस राज्य सरकार ने गर्मी के तनाव को कम करने के लिए कूल रूफ पॉलिसी की शुरुआत आपकी यहां पर की है महाराष्ट्र स्टेट तमिलनाडु आंध्र प्रदेश तेलंगाना और नन ऑफ these पांच ऑप्शन बताएगा सही जवाब कूल रूफ पॉलिसी की शुरुआत हाल ही में किस स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा की गई है सही जवाब आपका यहां पर बनेगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि तेलंगाना स्टेट ओके तो ऐसे स्टेप्स या ऐसे कदम उठाए जाएंगे जिससे कूल रूफ पॉलिसी के तहत छतों को ठंडा रखने में मदद मिलेगी जिससे छत के नीचे यानी कि घरों में गर्मी का जो एक तरीके से एब्जॉर्बशन होता है वो कम होगा और कम गर्मी वहाँ पर लोग फील करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन विच स्टेट्स फर्स्ट डिजिटल रेडियो स्टेशन रेडियो सांगवारी हैज़ बीन लॉन्च रिसेंटली राज्य सरकार का नाम यहाँ पर क्या बनेगा किस राज्य का पहला डिजिटल रेडियो स्टेशन रेडियो संगवारी रिसेंटली आपके यहाँ पर लॉन्च किया गया है इन वेस्ट बंगाल इन छत्तीसगढ़ इन हरियाणा इन उत्तर प्रदेश और इन मध्य प्रदेश पांच ऑप्शन सही जवाब क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व की अगर हम बात करें तो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का बनेगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि छत्तीसगढ़ स्टेट नेक्स्ट क्वेश्चन विच कंट्री हैज रिसेंटली लॉन्च अफेकलाइट इन टू स्पेस हाल ही में किस देश ने हाल ही में एक नया ओफेक थर्टीन जासूसी सेटेलाइट अंतरिक्ष में आपका यहां पर लॉन्च किया है कंट्री का नाम क्या बनेगा इसल फ्रांस रशिया चाइना और भूटान करेक्ट आंसर यह सैटेलाइट बेसिकली बिलोंग करता है इसराइल कंट्री से तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हियर नेक्स्ट क्वेश्चन विच बैंक हैज इंट्रोड्यूस्ड डिजिटल दुकान बिजनेस मैनेजमेंट सॉल्यूशन फॉर मर्चेंट्स रिसेंटली पांच ऑप्शन बताइए कि किस बैंक ने हाल ही में व्यापारियों के लिए डिजिटल दुकान व्यवसाय प्रबंधन समाधान पेश किया है ताकि जो व्यापारी हैं वो अपने बिजनेस से रिलेटेड समस्याओं का सोल्यूशन यहाँ पर हासिल कर सकें डिजिटल दुकान बिजनेस मैनेजमेंट सोल्यूशन व्यापारियों के लिए बैंक का नाम क्या बनेगा क्वेश्चन नंबर फोर्टीन करेक्ट आंसर इज एक्सिस बैंक एक्सिस बैंक इज इंडियाज थर्ड लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक हेड क्वार्टर लोकेटेड इन मुंबई सिटी एंड द फॉर्मर नेम ऑफ द एक्सिस बैंक इज यू टी आई बैंक ओके एवरी वन ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर है नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन

Sudha Shivkumar is the right answer here. Next question, question number 16. Okay, as per the recently released tiger census figures, the tiger count in India as of 2022 increased to 3167. What was the tiger's population as per the 2018 tiger census? हाल ही में जारी बाघ जनगणना के आंकड़ों के अनुसार 2022 तक भारत में बाघों की संख्या बढ़कर तीन आपकी यहां पर हो गई है 2018 की बाघ गणना के अनुसार बाघों की संख्या आपकी यहां पर कितनी थी जब 2018 में लास्ट टाइम टाइगर सेंसस कंडक्ट कराया गया था तो उस समय भारत में बाघों की गणना कितनी थी अब कितने बाघ थे कितने टाइगर्स थे पाँच ऑप्शन सही जवाब क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर करेक्ट आंसर इस का आपके यहाँ पर बनेगा ऑप्शन नंबर ई टू नाइन सिक्स टू पर कंडक्ट हुआ था हर चार साल में एक बार टाइगर सेंसस आपके यहाँ पर कंडक्ट कराया जाता है टाइगर सेंसस कंडक्ट कराने की शुरुआत दो हजार छ में हुई थी फर्स्ट टाइम राइट हर साल ट्वेंटी नाइन्थ ऑफ जुलाई को इंटरनेशनल टाइगर डे आपके यहाँ पर मनाया जाता है और आपको बता दें कि अभी रिसेंटली 1973 में जो प्रोजेक्ट टाइगर आपके यहाँ पर शुरू किया गया था टाइगर कंजर्वेशन के लिए प्रोजेक्ट टाइगर प्रोजेक्ट टाइगर 1973 तो हाल ही में प्रोजेक्ट टाइगर के इंप्लीमेंटेशन के सफल इंप्लीमेंटेशन के 50 साल आपके यहाँ पर पूरे हो चुके हैं यह भी साथ ही साथ याद रखिएगा तो क्वेश्चन नंबर 16 करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ई टू नाइन सिक्स सेवन सही जवाब इस क्वेश्चन का जो आपका है नहीं ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर रॉन्ग रहेगा ठीक है सही जवाब आपका टू नाइन सिक्स सेवन ही रहेगा इसे नोट कर लीजिएगा यहाँ पर गलत टिक है तो सही जवाब क्या रहेगा आपका टू नाइन सिक्स सेवन इस राइट आंसर है इस साल टाइगर्स की संख्या दो सौ आपकी यहां पर ऐड हो गई है तो दो सौ एड होने पर आपकी संख्या पहुंच जाएगी थ्री वन सिक्स सेवन इसे अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सेवनटीन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी Big द इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस टू सेलिब्रेट Project Tiger. ऑफ प्रोजेक्ट टाइगर ऑन दिस ओकेजन ही summary report of रिपोर्ट ऑफ India टाइगर एस्टिमेशन फॉर which साइकिल पहले ध्यान से क्वेश्चन को रीड कीजिएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रोजेक्ट टाइगर के पचास साल पूरे होने पर जश्न मनाने के लिए इंटरनेशनल बिग का बिग कैट्स अलायंस को लॉन्च किया है आपको बताना यह है कि इस अवसर पर आप यह बताएंगे कि रिसेंटली जो ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन रिपोर्ट पर जारी हुई है यह कौन से नंबर की साइकिल थी तीसरे नंबर की थी? नंबर की की साइकिल साइकिल थी थी चौथे छठे या सातवें नंबर की साइकिल थी तो रिसेंटली 2022 में जो आपकी यहां पर साइकिल रिलीज हुई है आपके फिफ्थ नंबर की साइकिल आपकी यहां पर बनती है याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर है ओके नेक्स्ट क्वेश्चन Recently, Shahrukh Khan won the 2023 Time 100 Reader Poll, which nation's women protesting for more freedom was chosen for the second spot or second position. हाल में Shahrukh Khan ने 2023 Time 100 Reader Poll आपके यहाँ पर जीत लिया है और वो दुनिया के टॉप पर्सनालिटी बने हैं जिनको सबसे ज़्यादा वोट मिले हैं। स्वतंत्रता so, के लिए आंदोलन करने वाली किस देश की महिलाओं के ग्रुप को दूसरे स्थान के लिए आपके यहां पर चुना गया है पांच ऑप्शन क्वेश्चन नंबर एटीन करेक्ट आंसर यहां पर आपका बनेगा ईरान की महिलाओं ने और फ्रीडम हासिल करने के लिए जो मूवमेंट आपकी यहां पर शुरू की थी उन्हें यहां पर सेकंड पोजीशन पर रखा गया है ऑप्शन नंबर बी ईरान इज द राइट आंसर हियर नेक्स्ट रिसेंटली शाहरुख खान वॉन दी 2023 टाइम हंड्रेड रीडर पोल हेल्थ वर्कर्स ऑफ विच कंट्री मेडिट टू दी थर्ड स्पॉट यानी कि इसी पर्टिकुलर रीडर पोल में कौन या किस देश की हेल्थ वर्कर्स थर्ड पोजिशन पर आपकी यहां पर रही है अमेरिका यूके फ्रांस फिनलैंड और जर्मनी करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर नाइनटीन सही जवाब आपके यहां पर बनेगा अमेरिकन हेल्थ वर्कर्स नंबर वन पोजिशन पर इस लिस्ट में रीडर पोल में आपके यहां पर रही ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर है नेक्स्ट क्वेश्चन केरला टॉप दी लिस्ट ऑफ द स्टेट्स विद द मोस्ट प्रोडक्टरिंग द जी आई टैग इन फाइनेंशियल ईयर ट्वेंटी थ्री हाउ मेनी प्रोडक्ट्स फ्रॉम दी केरलाई स्टेट वी आर गिविंग द जी आई टैग इन द फाइनेंशियल ईयर ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री केरल वित्तीय वर्ष 2022 और 23 में जीआई टैग हासिल करने वाले सबसे अधिक उत्पादों वाले राज्यों की सूची में सबसे ऊपर है टॉप पोजीशन पर है वित्तीय वर्ष दो और तेईस में केरल के कितने प्रोडक्ट्स को टैग पर मिला है 2022 और 23 में सबसे ज़्यादा जो जीआई टैग हासिल हुआ है वो केरल को हुए हैं क्वेश्चन नंबर 20 टोटल कितने हैं तो टोटल छः प्रोडक्ट्स को केरला के जीआई टैग मिला है 2022 और 2023 के फाइनेंशियल ईयर में नोट डाउन कीजिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर है ट्वेंटी एम का डिस्कशन पूरा हुआ यहाँ तक का रीज़न क्लियर रहा हो और चीज़ें लर्न हो रही हो करंट अफेयर्स याद हो रही हो देन आप लोग सेशन को लाइक जरूर कर दीजिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन

प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी ये दो प्रेसिडेंट आपके यहाँ पर ऐसे रह चुके हैं जिन्होंने सुखोई विमान आपके पर उड़ाया था क्वेश्चन नंबर सही जवाब आपके पर बनेगा असम असम इस्टे, असम स्टेट 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 के तेजपुर एयर बेस से तेजपुर एयर बेस से एयर स्टेशन से यहाँ पर उड़ान उन्होंने यहाँ पर भरी थी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हेयर नेक्स्ट क्वेश्चन रिसेंटली प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू इनोग्रेटेड गज उत्सव एट असम्स काजीरंगा नेशनल पार्क मार्क एनिवर्सरी ऑफ़ प्रोजेक्ट एलिफेंट ध्यान से हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रोजेक्ट एलिफेंट के कितने साल पूरे होने को चिन्हित करने के लिए असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में गज महोत्सव या गज उत्सव का उद्घाटन किया है प्रोजेक्ट एलिफेंट के कितने साल आपके यहां पर पूरे हो गए हैं सही जवाब बनेगा कि प्रोजेक्ट एलिफेंट के तीस साल आपके यहां पर पूरे हो गए हैं हाथियों के कंजर्वेशन के लिए उनके संरक्षण के लिए प्रोजेक्ट एलिफेंट जो आपके यहाँ पर शुरू किया गया था ये शुरू किया गया था 1992 में उन्नीस में आपको बता दूं कि हर साल ट्वेल्थ ऑफ अगस्त को 12 अगस्त को आपका एलिफेंट डे भी आपका यहाँ पर मनाया जाता है ये भी याद रखिएगा एलिफेंट इंडिया का नेशनल हेरिटेज एनिमल यानी कि राष्ट्रीय विरासत पशु भी बनता है नेक्स्ट क्वेश्चन केरला स्टेट इनलैंड नेविगेशन कॉरपोरेशन लॉन्च आ सोलर पावर टूरिस्ट बोट कॉल्ड सूर्यांशु इट कैन प्रोड्यूस हाउ मच एनर्जी केरल राज्य अंतर्देशीय नेविगेशन निगम ने सूर्यांशु नामक एक सौर ऊर्जा संचालित पर्यटक नाव आपकी यहाँ पर लॉन्च की है यह कितनी ऊर्जा उत्पन्न कर सकती है कितनी एनर्जी यह प्रोड्यूस कर सकती है ट्वेंटी सेवन क्लोव ट्वेंटी सिक्स ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी फोर ट्वेंटी थ्री किलोवाट सही जवाब इस क्वेश्चन का बनेगा कि यह बोट आपकी करीब करीब 27 किलोवाट एनर्जी प्रोड्यूस कर सकती है नेक्स्ट केरला स्टेट इनलैंड नेविगेशन अ सोलर पावर टूरिस्ट बोट जिसका नाम है सूर्यांशु इट वॉज बिल्ट एट अ कॉस्ट ऑफ यानी कि इस बोट का निर्माण कितने अमाउंट कितनी राशि से या कितनी धनराशि से इस बोट को निर्मित आपके यहाँ पर किया गया है अमाउंट क्या बनेगा पांच ऑप्शन ऑप्शन क्वेश्चन नंबर नंबर सही जवाब बनेगा डी लगभग लगभग करोड़ लाइसेंस एंड अप्रूवल्स प्रवाह का फुल फॉर्म आपका यहाँ पर क्या बनेगा आरबीआई हमारे देश का सेंट्रल बैंक है ये तो आप सभी को पता ही है तो सेंट्रल बैंक से बैंकों को तरह तरह, की तरह तरह के अप्रूवल्स तरह तरह के यहाँ पर एप्लीकेशंस दायर करनी होती हैं ताकि बैंक यहाँ पर ज़रूरत पड़ने पर समय समय पर सभी तरह की अप्रूवल्स ले सकें तो इन अप्रूवल्स के लिए एप्लीकेशन वैलिडेशन के लिए ऑथराइजेशन के लिए प्रवाह पोर्टल को लॉन्च किया गया है प्रवाह का फुल फॉर्म क्या बनेगा ऑप्शन ए ऑप्शन बी ऑप्शन सी ऑप्शन डी और ऑप्शन ई ऑप्शन ई है नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं अगर आपको लगता है कि इनमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है तो आप ऑप्शन नंबर ई यहाँ पर टिक कर सकते हैं आराम से रीड कीजिए और बताएगा कि सही जवाब यहाँ पर क्या बनेगा करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का जो आपके यहाँ पर बनेगा क्वेश्चन नंबर वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए प्लेटफॉर्म फॉर रेगुलेटरी एप्लीकेशन वैलिडेशन एंड ऑर्थोराइजेशन ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर है नेक्स्ट क्वेश्चन हु इज द फर्स्ट वेमेन टू ऑफिशिएट अ फीमेल एम्पायर इन एन इंटरनेशनल मैच बिटवीन अ में ध्यान से सदस्य टीम के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय मैच में महिला एम्पायर के तौर पर एम्पायरिंग करने वाली पहली फीमेल एम्पायर आपकी यहां पर कौन बनी है इनका नाम आपका यहां पर क्या बनेगा फर्स्ट फीमेल एम्पायर क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स सही जवाब आपका यहां पर क्या रहेगा ऑप्शन नंबर डी किम कॉटन ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर है नेक्स्ट क्वेश्चन इंडिया एंड विच कंट्री हैव साइन द डिफेंस कोऑपरेशन एग्रीमेंट फॉर द फर्स्ट टाइम रिसेंटली हाल ही में भारत और किस देश ने पहली बार रक्षा सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं यह कंट्री आपकी यहां पर क्या बनेगी डेनमार्क फिनलैंड रोमानिया इटली और आइसलैंड क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि रोमानिया इज द राइट आंसर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन Which इंडियन अमेरिकन फिजिशियन हैज बीन ऑनर्ड विद द यंग यूरोलॉजिस्ट ऑफ द ईयर Award? किस भारतीय अमेरिकी चिकित्सक को या डॉक्टर को यंग यूरोलॉजिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड से अभी रिसेंटली आपके यहां पर सम्मानित किया गया है पांच ऑप्शन सही जवाब करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का आपके यहां पर बनेगा क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एट सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी नित्या एब्राहम

फर्स्ट एडिशन सेकेंड थर्ड फोर्थ और फिफ्थ एडिशन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी नाइन सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि थर्ड एडिशन यहां पर सही जवाब बनेगा इस फेस्टिवल का नेक्स्ट बांग्लादेश पावर डेवलपमेंट बोर्ड हैज रिसीव्ड 450 मेगावाट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द गोड्डा प्लांट ऑफ अडानी पावर गोड्डा प्लांट गोड्डा पावर प्लांट इज लोकेटेड इन विच स्टेट बांग्लादेश पावर डेवलपमेंट बोर्ड को अडानी पावर के गोड्डा संयंत्र से 450 मेगावाट बिजली आपकी रिसेंटली रिसीव हुई है प्राप्त हुई है गोड्डा पावर प्लांट किस राज्य में लोकेटेड है पांच ऑप्शन आपके सामने गोड्डा पावर प्लांट की लोकेशन त्रिपुरा में है झारखंड में है असम में है बिहार में है या फिर वेस्ट बंगाल में है क्वेश्चन नंबर थर्टी करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि झारखंड स्टेट इज द राइट आंसर है नेक्स्ट क्वेश्चन जम्मू एंड कश्मीर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा रिसेंटली इनोग्रेटेड अ टूलिप गार्डन एट दानसार सानसार इन रामबन डिस्ट्रिक्ट द सेड गार्डन इज स्प्रेड ओवर हाउ मेनी एकर्स ऑफ लैंड ध्यान से जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने हाल ही में रामबन जिले के सनासार में रामबन जिले के सनासार में एक टूलिप गार्डन का उद्घाटन आपके यहाँ पर किया है आपको ये बताना है कि इस गार्डन की बात करें तो ये गार्डन टोटल कितने एकड़ की भूमि में फैला हुआ है कितने एरिया में यह फैला हुआ है क्वेश्चन नंबर थर्टी वन सही जवाब आपके यहाँ पर बनेगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि पांच एकड़ की, की लैंड में यह आपका फैला हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन एज रिसेंटली वर्ल्ड फर्स्ट कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर फॉर एशियन किंग वल्चर्स इज सेट टू ओपन इन उत्तर प्रदेश महाराजगंज डिस्ट्रिक्ट द कंसर्न सेंटर इज नेम्ड इस सेंटर का नाम आपका यहाँ पर क्या रखा गया है जैसा कि हाल ही में घोषणा आपकी यहाँ पर की गई है कि एशियाई किंग uh, वल्चर्स के लिए दुनिया का पहला संरक्षण और प्रजनन केंद्र उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले में आपका खुलने वाला है इस केंद्र का नाम आपका यहां पर क्या रखा गया है पांच ऑप्शन सही जवाब क्वेश्चन नंबर नंबर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी जटायु कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर नेक्स्ट क्वेश्चन एज रिसेंटली अनाउंस दी वर्ल्ड फर्स्ट कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर फॉर एशियन किंग वल्चर्स इज सेट टू ओपन उत्तर प्रदेश द एशियन किंग वल्चर्स है Uh, on the red list since which year? जैसा कि हाल ही में घोषित आपका यहां पर किया गया है कि एशियाई किंग जो एशियाई किंग वल्चर्स है उनके लिए दुनिया का पहला संरक्षण और प्रजनन केंद्र उत्तर प्रदेश में आपका खुलने वाला है आपको ये बताना है कि ये गिद्ध जो रेड लिस्ट में शामिल है क्योंकि इनकी संख्या तेजी से घटी है दैट्स वाई तो ये रेड लिस्ट में सबसे पहली बार कब शामिल किए गए थे पांच ऑप्शन क्वेश्चन क्वेश्चन। नंबर नंबर सही जवाब आपका बनता ऑप्शन डी नेक्स्ट जैसा कि हाल ही में घोषणा आपकी यहां पर की गई है कि बेंगलुरु में देश का पहला थ्री डी प्रिंटेड डाकघर होगा यह संबंधित परियोजना किस कंपनी के द्वारा बनाई जा रही है या इस परियोजना को पूरा करने का काम किस कंपनी को सौंपा गया है पांच ऑप्शन सही जवाब करेक्ट आंसर एलएनटी यानी कि लार्सन एंड टूब्रो नामक कंपनी को इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने का काम सौंपा गया है नेक्स्ट क्वेश्चन थर्टी फाइव नोटेड थिएटर एक्ट्रेस एंड को फाउंडर ऑफ अक्षरा थिएटर जलाबाला वैद्य पास्ड अवे रिसेंटली इन विच ईयर डिट सी स्टार्ट हर थिएटिकल जर्नी प्रसिद्ध थिएटर अभिनेत्री और अक्षरा थिएटर की सह संस्थापक जलाबाला वैद्या जी का हाल ही में निधन हो गया है उन्होंने अपनी नाट्य यात्रा या थिएटर जो उन्होंने करना शुरू किया था वो किस ईयर में उन्होंने थिएटर करना शुरू किया था पांच ऑप्शन सही जवाब क्वेश्चन नंबर थर्टी फाइव करेक्ट आंसर बनेगा नाइनटीन सिक्सटी एट ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर नेक्स्ट रिसेंटली इंडियन अमेरिकन मैथमेटिशियन सी आर राव वॉज द इंटरनेशनल प्राइज इन स्टैटिस्टिक्स भारतीय अमेरिकी गणित्ञ सी आर राव को सांख्यिकी में अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है इस की इस का गठन किस ईयर में हुआ था पांच ऑप्शन करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर थर्टी सिक्स राइट आंसर नंबर सी 2016 में इस पुरस्कार की शुरुआत हुई थी नेक्स्ट क्वेश्चन यूनियन मिनिस्टर ऑफ लॉ किरण रिजिजू रिलीज india फर्स्ट एडिशन ऑफ to डोंगरी वर्जन ऑफ of ऑफ इंडिया टू through ऑफ which इंडियन केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने भारतीय संविधान के डोंगरी संस्करण का पहला एडिशन जारी किया है यानी कि यह संविधान डोंगरी भाषा में होगा इसका फर्स्ट एडिशन जारी हुआ है डोंगरी को किस संशोधन के द्वारा किस अमेंडमेंट के द्वारा भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची में आपका यहां पर जोड़ा गया था पांच ऑप्शन क्वेश्चन नंबर थर्टी सेवन करेक्ट आंसर इज संशोधन इसके लिए किया गया था नेक्स्ट क्वेश्चन एज रिसेंटली अनाउंस द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया विल कीप द रेपो रेट अनचेंज एट वॉट परसेंटेज जैसा कि हाल ही में घोषणा आपकी यहां पर की गई है भारतीय रिजर्व बैंक रेपो रेट को कितने प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखेगा अभी रिसेंटली जो मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू आपका यहां पर जारी हुआ है उसमें रेपो रेट को नहीं बढ़ाया गया है ना ही घटाया गया है इसे अनचेंज रखा गया है तो अभी अनचेंज रखने के बाद यानी कि वर्तमान में रेपो रेट की दर आपकी यहां पर क्या होगी क्वेश्चन नंबर थर्टी एट करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर इस समय रेपो रेट या रिपर्चेज ऑफर रेट आपका रहेगा

और साथ में अमेरिकन एयरफोर्स भी इस एक्सरसाइज का हिस्सा है तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर है नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 40 रिसेंटली एक्सरसाइज कोप इंडिया 2023 वाज इन द न्यूज़ द एयर सेल्फ डिफेंस फोर्सेस पर्सनल ऑफ विच कंट्रीज पार्टिसिपेटिंग इन द एक्सरसाइज एज एन ऑब्जर्वर हाल ही में एक्सरसाइज कोप इंडिया 2023 चर्चा में रही किस देश की वायु आत्मरक्षा बल के कर्मी पर्यवेक्षक के तौर पर इस अभ्यास में आपके यहाँ पर भाग ले रहे हैं यानी कि इस एक्सरसाइज में किस देश के सेल्फ डिफेंस फोर्स के uh, सिपाही एज एन ऑब्जर्वर इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं कंट्री का नाम यहाँ पर क्या बनेगा पांच ऑप्शन सही जवाब जापान ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर है फोर्टी एम का डिस्कशन यहाँ पर पूरा हो चुका है टेन एम का डिस्कशन अभी बाकी है यहाँ तक का रिवीजन सेशन अगर आपको पसंद आया हो और रिवीजन के साथ चीजें आपको लर्न हुई हो चीजों को याद करने का ये सबसे अच्छा तरीका है करंट अफेयर्स को लर्न करने का ये सबसे अच्छा तरीका है अगर हम इसमें सफल रहे हैं देन सेशन को लाइक यहाँ पर जरूर कर दीजिएगा वो लोग जिन लोगों ने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ दी फॉलोइंग स्टेट दवेंट यूटीज इज ऑर्गेनाइज थ्री डे बैसाखी महोत्सव ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री फ्रॉम थर्टीन टू फिफ्टीन ऑफ अप्रैल ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री निम्नलिखित में से कौन सा राज्य या कौन सी राज्य सरकार या केंद्र शासित प्रदेश तेरह से लेकर पंद्रह अप्रैल दो तक तीन दिवसीय वैसाखी महोत्सव दो का आयोजन कर रहा है सही जवाब क्वेश्चन नंबर फोर्टी वन करेक्ट आंसर बनेगा जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हियर नेक्स्ट Which bank is planning to launch parivar family savings account in financial year 2324 to minimize the gap between the deposits growth and credit growth जमा वृद्धि और ऋण वृद्धि के बीच के अंतर को कम करने के लिए किस बैंक ने फाइनेंशियल ईयर 2324 में परिवार बचत खाता शुरू करने की योजना आपकी यहां पर बनाई है पांच ऑप्शन सही जवाब करेक्ट आंसर बनेगा क्वेश्चन नंबर 42 का ऑप्शन नंबर ए यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नेक्स्ट क्वेश्चन इन दॉयल एयरफोर्स ऑफ यूनाइटेड किंगडम हाल ही में यूनाइटेड किंगडम की रॉयल एयरफोर्स में वारंट ऑफिसर के तौर पर नियुक्त यहां पर किया गया है अपॉइंट आपका यहां पर किया गया है ये भारतीय मूल की ब्रिटिश नागरिक आपकी यहां पर बनेंगी नाम इनका यहां पर क्या रहेगा जिन्हें वॉरेंट ऑफिसर यहां पर बनाया गया है यूके में क्वेश्चन नंबर फोर्टी थ्री सही जवाब है शुभी सुब्रमण्यम ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हियर नेक्स्ट क्वेश्चन कमांड अ लार्ज स्केल ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज नेम इज़ एक्सरसाइज़ कवच ऑफ़ द आर्मी नेवी एयरफोर्स एंड कोस्ट गार्ड किस कमान ने सेना नौसेना वायुसेना और तटरक्षक बल की संपत्ति से जुड़े बड़े पैमाने पर एक संयुक्त अभ्यास एक्सरसाइज कवच का आयोजन आपके यहां पर किया है वेस्टर्न कमांड ने ईस्टर्न कमांड ने सदर्न नेवल कमांड ने ईस्टर्न एयर कमांड ने या फिर अंडमान निकोबार कमांड ने क्वेश्चन नंबर फोर्टी फोर सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर ई अंडमान एंड निकोबार कमांड नेक्स्ट क्वेश्चन हु इज द फास्टेस्ट बैट्समैन टू रीच दिक्स थाउजेंड रन मार्क इन दई पी एल ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री ड्यूरिंग दी मैच अगेंस्ट द राजस्थान रॉयल्स एट द बड़सापारा स्टेडियम इन गुवाहाटी गुवाहाटी के बरसापारा स्टेडियम में राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ मैच के दौरान आईपीएल 2023 में 6000 रन के आंकड़े तक पहुंचने वाले सबसे तेज बल्लेबाज क्वेश्चन नंबर 45 करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी डेविड वॉर्नर नेक्स्ट क्वेश्चन रिसेंटली भारत बायोटेक वोन द बेस्ट प्रोडक्शन प्रोसेस डेवलपमेंट अवार्ड एज अ पार्ट ऑफ द वैक्सीन इंडस्ट्री एक्सीलेंस अवार्ड एट द वर्ल्ड वैक्सीन कांग्रेस ट्वेंटी कोविड नाइनटीन वैक्सीनोटेड विद इट हाल ही में भारत बायोटेक ने वर्ल्ड वैक्सीन कांग्रेस 2023 में वैक्सीन उद्योग में यहां पर शानदार काम करने के लिए सर्वश्रेष्ठ उत्पादन प्रक्रिया विकास पुरस्कार आपके यहां पर जीता है इससे संबंधित वैक्सीन जिसके लिए उनको यह अवार्ड दिया गया है क्वेश्चन नंबर 46 सही जवाब इज ऑप्शन नंबर ए नेक्स्ट क्वेश्चन रिसेंटली नासा लॉन्च टेम्पो इंस्ट्रूमेंट टू मॉनिटर एयर पोल्यूशन फ्रॉम दॉट डेम्पो स्टैंड टेम्पो का फुल फॉर्म आपका यहां पर क्या बनता है अगर आपको लगता है कि ए बी सी और डी ये चारों ऑप्शंस गलत है तो आपको ऑप्शन नंबर ई टेक करना है नन ऑफ दीज लेकिन अगर आपका आंसर ए बी सी और डी में से कोई है तो बताइए सही जवाब टेम्पो का फुल फॉर्म क्वेश्चन नंबर 47 सही जवाब है ट्रोपोस्फेरिक emissions monitoring of pollution this is the full form of tempo okay next 48 which of the following is not a state in the achiever category on the recently published state uh, energy efficiency index report 2021 and 22 hal hi mein jo yahan par स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स रिपोर्ट 2021 और 22 20 आपकी यहां पर जारी की गई है उसमें से कौन सा state top फाइव में या achiever category में आपके यहां पर शामिल नहीं है

क्वेश्चन नंबर फिफ्टी ये भी आपको यहां पर होमवर्क के तौर पर मिलेगा तो फटाफट से इसका आंसर सभी लोग कर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में तो टोटल फिफ्टी एम का जो डिस्कशन है वो आपके यहाँ पर पूरा हुआ और मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा कि क्या ये रिवीजन आप सभी के लिए हेल्पफुल है क्या ये सेशन आगे भी कंटिन्यू रहना चाहिए क्योंकि पचास क्वेश्चन एक ही सेशन में मिल जाते हैं तीस से चालीस मिनट के अंदर रिविजन हो जाता है पूरे हफ्ते का तो करंट अफेयर्स हमें याद भी होती रहती है और सबसे जरूरी चीज़ है करंट अफेयर्स को याद करना ना कि नई नई करंट अफेयर्स पढ़ना पढ़ना भी जरूरी है क्योंकि जब आप पढ़ेंगे नहीं तो फिर रिवीजन कैसे होगा लेकिन सबसे जरूरी है अगर आप एग्जाम में स्कोर करना चाहते हैं तो करंट अफेयर्स आपको याद होनी चाहिए और याद करने का सबसे अच्छा तरीका रिवीजन है जो मैं वीकली बेसिस पर कराता हूँ सुबह आठ बजे इसके अलावा अगर आप बैंक और इंश्योरेंस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपको इन सभी सेशन को ज्वाइन करना ही करना है डेली बेसिस पर ये सभी सेशंस लाइव होते हैं तो आप लोग यहां पर डेली बेसिस पर इन सभी सेशंस को ज्वाइन करें इसके अलावा आप एमबाई वेब पर भी जरूर विजिट करें जहां पर आपको बहुत सारी ई e बुक्स मिल जाती हैं अपनी स्टडी को कंप्लीट करने के लिए आपको कोई ऑफलाइन मोड में बुक खरीदने की जरूरत नहीं है क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हैं मॉक की प्रैक्टिस आप यहां पर कर सकते हैं कॉन्सेप्चुअल वीडियोज देख सकते हैं तो जरूर विजिट कीजिएगा एम बाई वैप पर और साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल ताकि सेशन और की पीडीएफ सेशंस uh, की अपडेट और पीडीएफ आपको मिलती रहे आज के लिए इस वीडियो में इतना ही अगला वीकली करंट अफेयर्स रिवीजन सेशन नेक्स्ट वीकेंड पर होगा अगले हफ्ते तो आज के लिए सेशन में इतना ही अब मुलाकात होगी नेक्स्ट डे मंडे नेक्स्ट डे आपसे मुलाकात होगी सुबह आठ बजे डेली करंट अफेयर सेशन में थैंक यू सो मच एवरी वन फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन लाइव कीप एम बाइविंग वी बिलीव इन यू थैंक यू Keep imbibing. We believe in you.